गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम आर होम ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर नाइन इन साइंस ऑफ स्टैंडर्ड सेवेंथ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था श्वसन तंत्र के बारे में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम हाउ एनिमल्स रेस्पायर मीन्स कैसे एनिमल्स सांस लेते हैं टूडे वी विल डिस्कस सो लेट स्टार्ट द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेसन इन इज सिमिलर इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी प्लांट्स और एनिमल्स में जो रेस्पिरेसन प्रोसेस होता है सिमिलर होता है एक जैसा होता है एंड रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी और सभी एनर्जी रिलीज करते हैं इन यूनिसेलुलर एनिमल्स कुछ एक कोशिकीय जंतुओं में ऑक्सीजन इज डायरेक्टली एब्जॉर्व फ्रॉम वाटर और एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय डिफ्यूजन एक कोशिकीय एनिमल्स में जंतुओं में ऑक्सीजन डायरेक्टली वाटर और एयर से एब्जॉर्व की जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज बाय डिफ्यूजन और प्रसार के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन लगभग ऑक्सीजन में एयर में ऑक्सीजन की ट्वेंटी वन परसेंट होती है बट इन वाटर लेकिन वाटर में देयर इज़ ओनली अबाउट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर लेकिन वाटर में केवल जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर सामान्य ताप पर इन हायर एनिमल्स और बड़े बड़े जंतुओं में देर आर स्पेशल ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें श्वसन में हेल्प करते हैं मदद करते हैं नाउ वी विल डिस्कस हाउ सम एनिमल्स रेस्पायर थ्रू स्किन कैसे कुछ एनिमल्स स्किन के थ्रू सांस लेते हैं इन एनिमल्स सच एज अर्थफॉर्म एंड लीचीज कुछ एनिमल्स जैसे कि केंचवा और चौक एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द मोस्ट एंड स्लिमी सरफेस ऑफ स्किन कुछ एनिमल्स जैसे कि केचुआ और जोंक गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपनी जो नम्र जो उनकी नर्म स्किन होती है या स्लिमी सरफेस होता है उनकी स्किन का उसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं इन एम्फीबियन उभैचर में एम्फीबियन होता है जो लैंड और वाटर दोनों पर रहने वाले होते हैं सच एज फ्रॉग जैसे कि मेंढक नेट्स नेट्स होता है छोटी पूछ वाला छिपकली जैसा जो जानवर होता है एंड सेलेमेंडर्स सेलेमेंडर्स होता है जो आग पर बैठने वाला कीड़ा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू द स्किन वैन इन वोटर एंड थ्रू द लंग्स वैन ऑन लैंड मीनस कुछ एनिमल्स एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग नैट सेलेमेंडर्स गैसों का एक्सचेंज करते हैं अपनी स्किन के थ्रू स वो सांस लेते हैं अपनी स्किन के थ्रू जब वो वाटर में रहते हैं जब वो पानी में रहते हैं और लंग्स के थ्रू तब करते हैं जब वो जमीन पर रहते हैं थ्रू एयर होल्स अब कुछ एनिमल्स एयर होल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं इन एनिमल्स एज इंसेक्ट कुछ एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, देर आर सेवरल होल्स कोल्ड स्पारिकल्स उनमें काफ़ी होल होते हैं छिद्र होते हैं जिन्हें स्पारेकल्स कहा जाता है छिद्र कहा जाता है इन द बॉडी उनकी बॉडी में मिस कुछ एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट उनकी बॉडी में काफ़ी छिद्र होते हैं जिन्हें स्पारेकल्स मिस छिद्र कहा जाता है एयर एंटर एन इंसेक्ट बॉडी थ्रू दिस स्पारेकल्स एयर उन इंसेक्ट्स की बॉडी में इन छिद्रों के थ्रू एंटर कर जाती है एंड इज कैरिड थ्रू ट्यूब कोल्ड ट्रैशियल ट्यूब और एक ट्यूब के थ्रू कैरी कर ली जाती है उसे ट्रेसल ट्यूब ट्रेसल ट्यूब होता है जो उनकी वायु नली होती है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं उसके थ्रू वो कैरी कर ली जाती है ऑक्सीजन इज एब्जॉर्व इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज सेंट आउट थ्रू दीज स्पेरिकल्स और ऑक्सीजन उनकी बॉडी में एब्जॉर्व कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन छिद्रों के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है नाउ थ्रू गिल्स सम एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स कुछ एनिमल्स गलफड़े के थ्रू सांस लेते हैं मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश यूज स्पेशल ऑर्गन्स कोल्ड गिल्स कुछ जलीय जीव जलीय जंतु जैसे कि मछली के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल अंग होते हैं जिन्हें गिल्स कहा जाता है गलफड़े कहा जाता है फॉर रेस्परेशन मीन्स कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए श्वसन के लिए जिन्हें गिल्स कहा जाता है गलफड़े कहा जाता है दीज गिल्स आर लाइक स्लिट ये गिल्स गादयुक्त मतलब स्लिट की तरह के होते हैं बहुत छोटे छोटे जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं गाद जिसे बोला जाता है एंड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड फिलामेंट्स और काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है जिन्हें रेसा कहा जाता है दीज फिलामेंट्स आर रिच सप्लाइड विद तीनी ब्लड वेजल्स कोल्ड कैपिलरीज और ये फिलाेंट्स काफ़ी अमाउंट में ब्लड वेजल्स में जो कार ऑक्सीजन है सप्लाई करते हैं जिन्हें कैपिलरी कहा जाता है वैन वाटर एंटर द बॉडी ऑफ फिश थ्रू माउथ जब वाटर मुंह के थ्रू मछली की बॉडी में एंटर करता है इट फ्लो ओवर द गिल्स देन इट फ्लो ओवर द गिल्स वो गलफड़ों के ओवर फ्लो करता है बहता है द ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर और जो कैपिलरीज में ब्लड होता है ब्लड वेजल्स होती है कैपिलरीज इन्हें कहा जाता है वो ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्व करती है एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड और ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है सम एनिमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स कुछ एनिमल्स फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं मोस्ट ममल्स सच एज कैट डोग मंकीज हॉर्स एंड ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा रेस्पायर थ्रू स्पेशल सेक लाइक स्पोंजी ऑर्गन कोल्ड लंग्स कुछ ममल्स स्तनधारी जंतु जैसे कि बिल्ली कुत्ता बंदर घोड़ा और ह्यूमन बींग्स इवन मानव भी रेस्पायर थ्रू स्पेशल सैक लाइक स्पोंजी ऑर्गन कोल्ड लंग्स ये भी एक थैली की जैसी स्पोंजी ऑर्गन जिसे लंग कहा जाता है उसके थ्रू सांस लेते हैं कुछ स्तनधारी जैसे कि बिल्ली कुत्ता बंदर घोड़ा और ह्यूमन बींग्स एक थैली के आकार की ऑर्गन होता है जिसे लंग्स कहा जाता है उसके थ्रू सांस लेते हैं बेबी फ्रॉग जो मेंढक का बच्चा होता है जिसे टेडपोल्स कहा जाता है ओल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स बेबी फ्रॉग भी गिल्स के थ्रू गलफड़ों के थ्रू सांस लेता है दो दे ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग यद्यपि वो स्किन और लंग दोनों के थ्रू सांस लेते हैं वैन दे ग्रो अप वैन दे ग्रो अप टू बिकम फ्रॉग और जो वो बड़े हो जाते हैं और एक मेंढक बन जाते हैं तो वे स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू ही सांस लेते हैं लेट्स रिमाइंड अगेन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें गिल्स कहा जाता है रेस्पिरेशन के लिए ये गिल्स स्लिट की तरह के होते हैं और काफ़ी थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिन्हें फिलामेंट्स मीन्स रेसा कहा जाता है ये फिलामेंट्स में काफ़ी ब्लड वेजल्स होती है जिनमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है जिन्हें कैपिलरी कहा जाता है जब वाटर उनकी बॉडी में मुंह के थ्रू एंटर करता है जब वाटर फिश की बॉडी में मुंह के थ्रू एंटर करता है देन इट फ्लोज ओवर द ग्स तो वो गिल्स के थ्रू फ्लो होता है गिल्स के ओवर ऊपर फ्लो होता है एंड द ब्लड इन द कैपिलरी एब्जॉर्व ऑक्सीजन और जो कैपिलरी में ब्लड होता है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है वाटर से एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है कुछ एनिमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं जैसे कि कुछ ममल्स कैट डॉग मंकी हॉर्स एंड ह्यूमन बींग्स एक थैली के आकार की स्पेशल स्पॉन्जी ऑर्गन होता है जिन्हें लंग्स मीन्स फेफड़े कहा जाता है कुछ एनिमल्स फेफड़ों के थ्रू रेस्पायर करते हैं बेबी फ्रॉग गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है यद्यपि कुछ जो फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू रेस्पायर करते हैं लेकिन जब बेबी फ्रॉग बड़ा हो जाता है देन इट ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स Students in our next class we will discuss respiratory system in human beings.